Hello, good morning students. So I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic, quartz glove. In previous video we already discussed about the different types of the time measurement device. जैसे कि हमने previous video में discuss किया था कि water clock क्या होती है, sundial क्या होता है, ठीक है, और sand clock क्या होती है, pendulum clock क्या होती है, इन सब के बारे में हमने discuss किया था, ठीक है. तो अब हम आज हम जो बात करने वाले हैं क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में, ठीक है. ये एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ द मॉडर्न क्लॉक, है ना. ये एक मॉडर्न क्लॉक है, ठीक है. और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ऑक्सिलेशन के प्रिंसिपल पे. कि हम क्या होता है, इसमें एक क्रिस्टल यूज होता है जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और उसी के नेम से इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है, और उस वाइब्रेशन के थ्रू आपकी क्लॉक जो होती है वो वर्क करती है. तो ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वार्ट्ज क्लॉक होती क्या है. तो अ क्लॉक और वॉच दैट इज ऑपरेटेड बाय द वाइब्रेशन. देखो, जो भी मॉडर्न क्लॉक है वो सब ऑक्सिलेटरी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेंडुलम क्लॉक के बारे में, तो वो भी ऑक्सिलेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता था, करती थी, ठीक है ना. उसमें क्या होता था, जो आपका पेंडुलम होता था वो बॉब होता था, वो मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन करता था, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती थी, ऑपरेट होती थी, ठीक है. तो ये भी वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे. बट यहाँ पे कौन वाइब्रेट होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है. उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, या हम किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यदि कहाँ पर रखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और उसमें करंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है या ऑक्सिलेटरी मोशन प्रोवाइड करता है. तो उसी मोशन का यूज हम करके इसको ऑपरेट करते हैं. तो अ क्लॉक और वॉच दैट इज ऑपरेटेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल कंट्रोल बाय माइक्रो सर्किट, ठीक है ना. तो ये क्या होता है, एक क्लॉक और वॉच होती है जो ऑपरेटेड बाय द वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन पर ऑपरेट होती है, ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, ठीक है, कंट्रोल बाय, और इसको कौन कंट्रोल करता है, माइक्रो सर्किट या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना. कि हम उसमें क्या करते हैं, उसको सेल के थ्रू आप करंट प्रोवाइड करते हैं और वो वाइब्रेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है. तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो क्या है, वाइब्रेशन, और ये माइक्रो सर्किट, ठीक है, और एक है क्वार्ट्ज क्रिस्टल. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती क्या, होता क्या है, देखो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा. तो देखो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है, एक तरह का मिनरल होता है, ठीक है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो एक तरह का ये मिनरल होता है. तो व्हाट इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो क्वार्ट इज द मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ये कहाँ पर मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है. और इसकी क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, मैंने बताया भी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, कि जब भी हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, ये लेट अस कंसीडर ये हमारा, और ये बहुत फाइन कटा होता है, जब इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे से वाइब्रेट करता है, मतलब एक तरह से ऑक्सिलेटरी मोशन प्रोवाइड करता है. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो क्वार्ट्ज इज मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है. और क्वार्ट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, क्वार्ट्ज क्या रखता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, और यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑक्सिलेट व्हेन सब्जेक्ट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या करता है, ऑक्सिलेट करने लगता है, ऑक्सिलेटरी मोशन करने लगता है, और ऑक्सिलेटरी मोशन क्या, एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन है, सब्जेक्ट टू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और इट इज़ यूज इन क्वार्ट्ज क्लॉक और वॉच इज वेरी एक्यूरेट. जो जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है, जो अभी तक जितनी भी क्लॉक हमने पढ़ी उनमें सबसे एक्यूरेट होती है. क्या क्या पढ़ा हमने, वापस मैं करा रहा हूँ, सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, इनमें बहुत सारी एरर्स थी, ठीक है, बहुत सारी एरर होती थी इनमें. और फिर आई हमारी मैकेनिकल क्लॉक, ठीक है, तो उसके बाद आई हमारी पेंडुलम क्लॉक, तो इनमें बहुत सारी एरर्स होती थी. तो इन सब में सबसे एक्यूरेट क्या है, ये क्लॉक, ठीक है. और इससे भी जो सबसे एक्यूरेट हमारी जो क्लॉक होती है वो होती है एटॉमिक क्लॉक, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे. तो होता क्या है, देखो किस तरीके से वर्क करती है. देखो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हम इस तरीके से लगाते हैं. तो जैसे ही हम स्विच
ये सेल को यहाँ पर लगाते हैं तो सेल से क्या होता है, ये वाइब्रेट होने लगता है, इससे क्या होता है पल्स जनरेट होती है, और पल्स से क्या होता है इससे क्या होती है ये पल्स जनरेट होती है, और पल्स से क्या होता है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होती है गियर के थ्रू ऐसे, और इस तरीके से आपकी जो क्लॉक होती है, जो आपकी वॉच होती है क्वार्ट्ज, वो वर्क करती है। देखो आप देखना, जो आपकी क्लॉक होती है, जो आपकी वॉच होती है, उसमें क्वार्ट्ज लिखा होता है, तो क्वार्ट्ज कोई कंपनी नहीं है, वो एक क्रिस्टल होता है जो हम उस क्लॉक या उस वॉच के सर्किट में यूज करते हैं, और ये जो वर्क करता है ना वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है, किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये आपके काम की चीज नहीं बट मैं बता देता हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब भी हम वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो किसी भी तो वो क्या करता है वोल्टेज जनरेट करता है या पोटेंशियल जनरेट करता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोटेंशियल के थ्रू मतलब हम करंट के थ्रू क्या करते हैं वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हम जब भी वाइब्रेशन या मैकेनिकल कुछ वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट प्रोवाइड होता है, प्रोड्यूस होता है, यह पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ये जब भी हम मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है ये वाइब्रेशन करंट के थ्रू वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसके इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपके क्वार्ट्ज क्लॉक क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और इसी वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट प्रोवाइड करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, तो ये वाइब्रेट करने लगता है, और क्योंकि अभी की जितनी भी क्लॉक है वो सारी किस पे वर्क करती है ऑक्सिलेटरी मोशन पे, तो वो ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेशन मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था, आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।